Hello everyone, myself Soumya and today we are going to study about most important MCQs for NEET exam in which we study 50 MCQ questions. Okay, so question number first. The cell digestive enzymes are mostly located in lysozyme, cell wall, ribosomes or chromosomes. The answer is lysosomes. एक सेल के अंदर जो एक ऑर्गेनली होती है जो डाइजेस्ट करती है एंजाइम्स को, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है लाइसोसोम. लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनली जिसके अंदर सेल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. द एंजाइम विच एक्ट विद इन दी सेल्स आर कॉल्ड एंडो एंजाइम्स, एक्जो एंजाइम्स, एपो एंजाइम्स और नन ऑफ दीज. द आंसर इज एंडो एंजाइम्स. द आंसर इज एंडो एंजाइम्स. ऐसे एंजाइम्स जो एड करते हैं सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं एंडो एंजाइम्स. आउट ऑफ द टोटल एंजाइम्स प्रेजेंट इन ए सेल, ए माइटोकॉन्ड्रियल अलोन हैज. जितने भी टोटल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं सेल में, उसमें हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो एटीपी जनरेटिंग एक ऑर्गेनली होती है, उसमें अलोन 70% एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. The enzymes with same function or property and the different molecular formula are called isomerase. ऐसे enzyme जिसमें जिनके function same हो और different molecular formulas हो, उनको बोलते हैं हम isoenzymes. The answer is isoenzymes. Because the enzymes have different molecular formula but same property, and the example is lactase dehydrogenase. The digestive enzymes are called hydrolases, ligases, oxidoreductases or zymase. So the answer is hydrolases. The digestion of food in the leucocelania take place in the spongocele, coenocyte, in the amoebocyte coenocyte and then in the amoebocyte. The answer is first in the coenocyte and then in the amoebocyte. Bruner's gland are present in stomach, liver and small intestine. So Bruner's gland jo hote hain wo small intestine mein present hote hain. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम रीजन में, ये प्रेजेंट होते हैं. कौन? मारे ब्रूनर्स ग्लैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज? रैबिट, काउ, गॉट एंड टाइगर. सो रैबिट, काउ और गॉट जो होते हैं, तीनों हमारे कार्निवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं, और हमारे टाइगर है, ये हमारा कार्निवोरस होता है. सो द आंसर इज टाइगर. That's why it cannot digest cellulose. Bruner's gland produce mucus, intestinal juice, both or none. Bruner's gland जो होते हैं वो produce करते हैं mucus. Calciferol is with A, D, C or none. So calciferol is vitamin D which is obtained from the sun energy. Glucostate theory is related to thirst, diabetes, none of these or appetite. The glucostate theory is related to diabetes. The movement of alimentary canal is known as a systole, diastole, peristalsis, all of these. So answer is peristalsis. जब movement होता है esophagus में, जब हम कोई भी food जब अपने mouth में लेते हैं, खाते हैं उसको, तो उस टाइम ईसोफेगस में पेरिस्टेल्सिस होते हैं ताकि आराम से फूड जो है हमारे स्टोमच तक पहुंच सके. सो द आंसर इज पेरिस्टेल्सिस. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. स्प्लीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ गट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज इट इज ए ओनली फंक्शनल ऑर्गन प्रेजेंट इन अवर बॉडी एंड इट ओनली हेल्प इन सपोर्टिंग वेरियस बॉडी फंक्शनिंग. ये सिर्फ काम करती है सपोर्ट करने के पीछे से, और इसका कोई वक्त नहीं है. और इज ऑल्सो ए ग्रेवयार्ड ऑफ RBC.
कैकामिन फ्रॉग इज़ वेल डेवलप्ड लेस डेवलप्ड. सो कैकामिन फ्रॉग इज लेस डेवलप्ड. द आंसर इज लेस डेवलप्ड. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज फंक्शनल इन फ्रॉग रैबिट मैन एंड ऑल. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स उसी में फंक्शनल होती है जो हमारा हर्बी बोर्स होता है जो घास वगैरह खाता है. तो द आंसर इज रैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज ग्लॉटिस फेरिंग्स लैरिंग्स और ग्यूलेट. द आंसर इज ग्यूलेट. स्टेरिलिटी इन मेल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए बी ई और सी. द आंसर इज विटामिन ई व्हिच इज ए स्टेराइल विटामिन जो स्टेरिलिटी को रोकती है इन बोथ मेल एंड फीमेल. इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेरिकस इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रूनस ग्लैंड बोथ नन और क्रिप्ट ऑफ लेमरकन. द आंसर इज क्रिप्ट ऑफ लेमरकन व्हिच इज प्रेजेंट इन द विलाई ऑफ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ब्रूनस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ गट वॉल सब म्यूकोसा गट वॉल बोथ और नन. द आंसर इज अ सब म्यूकोसा ऑफ गट वॉल. Which one of the following plant shows a various close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other. The answer is the yucca. Yucca एक ऐसा plant है जिसके साथ एक moth confuse रहता है और ये एक दूसरे ऊपर depend करते हैं जिसकी वजह से इनकी life cycle जो होती है दोनों एक बिना नहीं चल पाती है. So this shows that this shows a phenomenon of mimicry. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature of -196°C, -160°C, 120°C or -60°C. The answer is -196°C. Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? The answer is, so options are TI lymphocytes, TI plasmid retrovirus, PBR332 and alpha phase. The answer is retrovirus. And retrovirus are vector used karte hain for transmitting or introducing a DNA fragment into the human lymphocytes. In which of the following form is iron absorbed by the plant? Ferric, ferrous, free elements, both ferric or ferrous. The answer is both ferric and ferrous. The amnion of mammalian embryo is derived from mesoderm, trophoblast, endoderm, mesoderm, and ectoderm and endoderm. So the answer is ectoderm and mesoderm. आउटर लेयर एंड की मिडल लेयर उससे बनता है और फाइटस के आसपास का एमनियन फ्लूड. आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए. आरएनए बनता है डीएनए से किसमें न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में साइटोप्लाज्म में एंड नन ऑफ दीज. द आंसर इज न्यूक्लियस बिकॉज डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो आरएनए इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन साइड द न्यूक्लियस. BMR in men is controlled by thyroid, MTH, testosterone and all of these. BMR जो मैन में प्रेजेंट होती है मैन और वोमेन दोनों में होती है इसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. इसको कंट्रोल करता है थायराइड, एमटीएच, टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल ऑफ दीज. द आंसर इज थायराइड ग्लैंड. इन फीवर जब हमें फीवर होता है तो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है बिकॉज फीवर में बॉडी को कंट्रोल करना पड़ता है इसलिए बॉडी को मेंटेन रखती है कौन हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट इसलिए ये बढ़ जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसीज अल्जाइमर डिसीज सिरोसिस वाइटेलिगो और अर्थराइटिस. सिरोसिस वाइटेलिगो अर्थराइटिस दीज थ्री आर ऑल ऑटोइम्यून डिसीजेस बट अल्जाइमर डिसीज इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसीज. सो आंसर इज अल्जाइमर डिसीज. In which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymph vessels? यहाँ पर chronic लंबे time का chronic inflammation हो रहा है lymphatic vessels से कौन सा मतलब
कौन सी डिसीज़ है जिसमें हमारा मॉस्किटो एक ऐसे पैथोजन को हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है जो क्रॉनिक जिनसे हमारी लिम्फेटिक वेसल्स फूल जाती हैं, बहुत ही इन्फ्लेमेड हो जाती हैं. सो ऑप्शंस आर रिंगवॉर्म, एलिफेंटाइटिस, एस्कैरिसिस, अमीबियासिस. द आंसर इज एलिफेंटाइटिस, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इन हिंदी हाथी पांव. द केमिकली एंजाइम्स आर फैट, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. सो द आंसर इज प्रोटीन, बिकॉज केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. Proteins also release energy in our body, but before that their elimination is going on in the spleen, lungs, liver and muscles. The answer is the liver. इससे पहले हमारी body proteins energy ले, उससे पहले उनका जो elimination होता है वो हमारे liver में हो जाता है. Which one of these animals is not homeotherm? Camelus, Chelon, Macropus and Cetacula. The answer is Chelon. Chelon is not a warm-blooded animal. Which one of the following animal does undergo metamorphosis? Moth, earthworm, starfish and tunicates. The answer is moth. The answer is moth. The answer is moth. One of the following is caused by protozoan, malaria, typhoid, tuberculosis and typhoid. So the answer is malaria, because it is caused by protozoan, female influenza. Okay, typhoid is caused by bacteria and tuberculosis is also caused by bacteria. Cholera is also caused by bacteria. Scaphandrous granules are found in life cycle of Plasmodium, like in the IBC of man, liver cells of man. Gamete formation of mostly to all of these, the answer is IBC of man. So the answer is IBC of man. The electron transport system occurs in hormone enzyme cytochrome or all. The answer is cytochrome, because it is present in mitochondrial inner membrane in the Christiae part of mitochondria. So the answer is cytochrome. Which determines the sequence of amino acid in proteins? tRNA, rRNA, gene or genetic code? So the answer is tRNA. The site of action and the substrate of renin are respectively. The site of action matlab hamare body mein jab रेनिन पहुंचता है तो उस पर एक्शन कहाँ पे चलता है? तो साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन, और सबस्ट्रेट क्या होता है? सो द आंसर इज स्टोमच एंड द सबस्ट्रेट इज कैसीन. रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, मिल्क कैसीन डैश बाई इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कन्वर्टेड इंटू पैरा कैसीन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कन्वर्टेड इंटू कैल्शियम पैरा कैसीनेट. In bracket, curdling of milk in it letters like bi and z denotes C plus plus and renin. Milk casein जो होता है वर्क करता है वो calcium ions पे, and then para casein जो होता है वर्क करता है renin पे, and then it forms calcium para calcinate. So the answer is C, A plus plus and renin. The blood vessels of diaphragm is called phrenic. The blood vessel of diaphragm is called phrenic. The neurogenic heartbeat is a characteristic of human rat, rabbit or some invertebrate. The answer is some invertebrate. From cannot live without cuteness respiration, pulmonary respiration, buccal respiration or all. The answer is a क्यूटनेस रेस्पिरेशन. फ्रॉग जो होता है क्यूटनेस रेस्पिरेशन में नहीं रह पाता है. द रिमूवल ऑफ स्प्लीन विद विल लीड टू डिक्रीज एंटीबॉडी फॉर्मेशन, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन एंड डिक्रीज प्लाज्मा प्रोडक्शन. वन ऑफ दीज द आंसर इज इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन. द आर्टरी एब्सेंट इन फ्रॉग इज रेनल आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और राइट स्कीमेटिक आर्टरी. द आंसर इज फ्रेनिक आर्टरी, विच इज एब्सेंट इन द from. Megakaryocytes carry oxygen, carry CO2, produce blood platelets, produce leukocytes. The answer is that they produce blood platelets. Arterial contraction is initiated by
कॉन्डक्शन कौन करता है, स्टार्ट एनोड एवी नोड बंडल ऑफ प्रोकिन्सी फाइबर, द आंसर इज एस एनोड। द पीएच ऑफ कस इंडेरिकस इज विच इज एन इंटेस्टाइनल जूस इज 7.8, 6.6, 5.0, 2.1 is 7.8. Bruno's gland is present in liver, stomach, duodenum and esophagus. The answer is duodenum. The function of tracheal air is to pass mucus out, pass mucus in, pass air out, pass air in. The answer is to pass mucus out. The metal associated with the hemoglobin is copper, iron, magnesium, cobalt. So the answer is iron. The covering of lung is pericardium, peritoneum or pleural membrane. None of these. The answer is peritoneum. Ramachandra plot is used to confirm the structure of RNA, protein, DNA and all of these. So the answer is protein. So here are the all questions of this video. These are the most important questions for NEET 20. Please guys, like, share and subscribe the channel, and I hope you understand the all MCQs which I have taught today. Thank you.